हाथों से निकल रही है, देखना भी अभी तक झेल रही है, अभी भी झेल रही है, अपनी झेल रही। आज मैं हमारे घर की एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूँ जो 263,642 चल चुकी है, BMW 320D। ये 2017 मॉडल है भाई, किसी को बता रहा हूँ कि भाई ये गाड़ी इतनी चल चुकी है, बोले भाई मानने को मैं तैयार, मतलब अगर मीटर ना देखे ना तो कोई कह नहीं सकता भाई एक्चुअल में ये है। अभी 11:22 हो रखी है और फिलहाल हम कहाँ पे हैं? आए ब्रोज, आए आए दीपक ब्रो, आए ब्रो, क्या करा रहे हो रात को 11:30 बजे? अपनी दोनों गाड़ियों में फिल्म चढ़वा रहा हूँ भाई। ये देखो स्मोक होने लग रही है, इस पे सेटिन वाइट रैप है और उस पे जो है ब्लैक PPF। आपने ये वाली VRS हमेशा व्हाइट में देखी होगी, ब्लैक में तो अभी तक हमने कोई रील भी नहीं डाली है ना, वीडियो वगैरह के ऊपर अच्छा काम किया है तुमने भाई, है ना भाई? मतलब गाड़ी ना पूरी माफिया लग रही है अब, अभी वैसे थोड़ी गंदी हो रखी है। मुझे अभी इसकी बफिंग वगैरह करवा रहे थे हम, लाइट और पिछली लाइट है ना थोड़ी स्मोक करवाई है। ये देखो पीछे से दिखाता हूँ, बड़ी तगड़ी लग रही है भाई, ये तगड़ी लग रही है। टाइटल थंबनेल देख लिया होगा, आज हम दिखाने वाले हैं BMW 320D। अब इसकी आपने पीछे वीडियो देख ली थी, इसकी हमने भाई पूरी सर्विस वगैरह सब कुछ करा लिया था, तो गाड़ी तो टनाटन हो गई थी, पर जो इसका पेंट है ना वो काफ़ी डैमेज हो रखा है। आप ये देखो अब इन लाइटों में दिख रहा है कितने स्क्रैच हो रखे हैं भाई, कितने ज़्यादा स्क्रैच हो रखे हैं, कुछ भी मतलब बहुत ब्लर हो रखा है। फिलहाल हमारे पास वैसे यहाँ पे एक पोलो आ रखी थी, ये सेटिन वाइट रैप हुई है, वाइट ही कलर था जिस पे सेटिन वाइट रैप हुआ है, एक तरह से लीगल भी हो गया, और ये स्टेज टू ट्यून्ड है भाई, और ये ई क्लास है भाई, इस पे PPF होने वाली है, स्कॉर्पियन है इस पे भी PPF होने वाली है, और ये अपनी है ही, और ये स्मोक हो रही है अभी, और फिर इसके बाद शायद इसमें रैप चेंज होएगा। गाड़ी तो काली ही रखी, दोनों गाड़ी काली रखूंगा भाई मैं, ये ग्लॉस ब्लैक ये सेटिन ब्लैक एक तरह से है ना, और मेरी वाली तो फिर रंग बिरंगी हो रही है। ये देखो भाई कितनी चमक आ गई गाड़ी के पेंट में, कल रात को मैं क्या दिखा रहा था बिफोर और आफ्टर, वो आप खुद देख लो कितनी चमक आ गई भाई। फिलहाल इस पे जो है ग्रेफिन कोटिंग कर दी है भाई गाड़ी पे ना, गाड़ी एकदम मस्त हो चुकी है, चमक उठी है तगड़े वाली, मतलब बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। एक सबसे बड़ी दिक्कत बताऊँ क्या थी इस गाड़ी में, जैसे ही हमें ना इसको पीछे करते थे ना तो अब नहीं आ रही है, देखो अब आवाज़ नहीं आ रही, हम हमेशा इसको जब पीछे करते थे ना तो आवाज़ आती थी चू 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 चू, बहुत इरिटेटिंग आवाज़ थी भाई। बाकी अगर डिटेलिंग से रिलेटेड कोई काम कराना है तो भाई द वुल्फ डिटेलर गुड़गांव जो है आप आ सकते हो, गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम आप करा सकते हो। फिलहाल हमने इस पे जो है ग्रिफिन कोटिंग करी है, बिफोर आफ्टर आप क्या कहे भाई, जब इतनी पुरानी गाड़ी हुई ऐसी बन गई है, और आपकी तो बात अलग ही है भाई, मैं तो सो गया था भाई अपना आराम से क्योंकि पता था काम मेरा ढंग का हो ही जाएगा, तो इसलिए फिलहाल जो है भाई घर जा रहा हूँ मैं कई दिन से, क्योंकि घर नहीं जा पा रहा था, आज पाँचवा दिन लग रखा है। तो घर पर जाएंगे और घर वालों को दिखाते हैं कि अब देख लो गाड़ी आप कैसी दी थी और कैसी जा रही है। भाई साहब जो भी जा रहा है रोड के साइड से गाड़ी देखता जा रहा है, इतनी चमक रही है ना इतने टाइम से, अभी इतनी मुश्किल से इतनी चमकी। आज मैं आपको इसका एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ भाई, बहुत लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस मान लो। आज मैं हमारे घर की एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूँ जो 263,642 चल चुकी है, BMW 320D। ये 2017 मॉडल है भाई, और आपने बाहर से पूरी चेक कर ली है, कोई कुछ कह नहीं सकता, पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, अंदर से देख लो बिल्कुल साफ गाड़ी भाई, मतलब यूँ मान लो जिसको मैंने अभी 2-3 दिन के अंदर ये गाड़ी दिखी है ना, मैंने किसी को बता रहा हूँ कि भाई ये गाड़ी इतनी चल चुकी है, बोले भाई मानने को मैं तैयार, मतलब अगर मीटर ना देखे ना तो कोई कह नहीं सकता भाई एक्चुअल में ही है, कोई फालतू आवाज़ नहीं भाई इंजन से, कोई फालतू आवाज़ नहीं, सस्पेंशन अब चेंज हुआ है गाड़ी का, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है और क्या कुछ खर्चा उसमें हमारा आया है। और मैं वैसे बताता हूँ कि जो सर्विस हुई ना सिर्फ BMW में ही हुई है भाई, जेन्युइन हुई है और कहीं पर छिड़ी नहीं है गाड़ी आज तक, मतलब पहली इसमें 6 साल में पहली बार अब सस्पेंशन का काम हुआ था भाई। अब ये गाड़ी है ना यूँ मान लो जैम गाड़ी थी, अब तो चलो पेट्रोल आ रहे हैं, अब डीजल भाई ऐसे है, एक तो नाम हो गया ठीक है, ऊपर से भाई माइलेज मशीन है भाई, मैं कह रहा हूँ वरना सब कुछ फेल है भाई इसके आगे, वरना जो मेरे पास डीजल है ना
वो भी फेल है भाई माइलेज के मामले में। मैं इसको ना अभी मतलब गाड़ी ठीक हुई, इसके बाद मेरे को दिल्ली और नोएडा जाना था एक बार भाई। आना जाना 250 किलोमीटर के आसपास हो गया होगा आराम से मेरा, जिसमें मैं सब कुछ काम अपने निपटा के आ गया, सब कुछ कराया। और जैसे ये काम हुआ था ना, तो थोड़ा सा ना इसका वो मतलब जब सस्पेंशन का काम हुआ और वो कोडिंग करवाई थी मैंने, कोडिंग एक तरह से इसमें जो सीट बेल्ट की वार्निंग थी ना वो हटवा रहा था, क्योंकि कई बार इरिटेट कर देती है जब हमें जाना ही 1-2 किलोमीटर के लिए। और कि भाई मैंने हमेशा पहन के चलता हूँ गाड़ी में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई मैंने वो सब कुछ कर लिया थोड़ा, है ना उसमें। उसके बाद क्या हुआ था, थोड़ा फ्यूल है ना कम दिखने लग गया था इसमें, ऐसे होगी मतलब ऐसे सुई थी वो थोड़ी ऐसे होगी भाई। उसके बाद भी मैंने इसको वहाँ भी ले गया, सब कुछ कर लिया, लोकल के काम कर लिए, थोड़ा आना जाना कर लिया भाई। ये गाड़ी फुल टंकी में मैंने भरवाई थी, उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं कह रहा 450 किलोमीटर चल चुकी है ऑलमोस्ट। इसमें मैं रोहतक से गुड़गांव आ गया था, गुड़गांव में चला ली मैंने, गुड़गांव से मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली से मैं नोएडा चला गया, नोएडा से मैं जो है वापस गुड़गांव आ गया था। तो उसके बाद अब 413 की रेंज दिखा रहा है, जबकि 950 की रेंज दिखा रहा था उस टाइम पे। आज भाई मैं ना इसको थोड़ा वापस रोहतक ही जा रहा था भाई, काम कुम सब हो गया है, तो अब घर वालों के हवाले इसको फिर से कर देंगे। और मतलब ये देखो गाड़ी कुछ मानती नहीं है भाई, मतलब अपनी पावर के हिसाब से बहुत सही है भाई। 2 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन है इसमें, हालांकि ये प्रेस्टीज वाला है, स्पोर्ट्स वाला मॉडल नहीं है। स्पोर्ट्स वाले में वो सनरूफ आ जाती है, पर हमें वही बात है भाई, सनरूफ का इतना कोई प्रैक्टिकल यूज है भी नहीं भाई, देखो सही बता दो ना। और लेनी जब ली तो उस टाइम पे यही प्रोग्राम था, ये वैसे 2017 मॉडल है। अब जिस जिसके पास है ना ये उसको पता है, मतलब वैसे तो ये 17, 18, 20 ऐसे माइलेज देती है, हाईवे चलोगे तो 20+ है, और नहीं तो वैसे मतलब ये 17 के आसपास मान लो। मतलब अभी तो ये मीटर ही सेट हो गया था जब ये काम हो रहा था ना, उससे पहले भी आप जो है देख सकते हो 17-18 ऐसे जो है ना ये दिखाती थी, तो बिल्कुल एक्यूरेट मान रहा हूँ भाई मैं इसको, क्योंकि ये एग्जैक्ट दिखाता है बिल्कुल जो फिगर होती है ना उस हिसाब से। और वही बात है भाई, जो गाड़ी इतनी चल चुकी, कोई फालतू का आज तक इसने खर्चा नहीं मांगा है। नॉर्मल ब्रेक पैड अभी चेंज हो गए थे इसके सर्विस में, सब कुछ जो है ना कंपनी से ही हुआ है, अभी इसके ब्रेक पैड चेंज हो गए थे। मतलब जो नॉर्मल खर्चा होता है ना गाड़ी का इतने चलने में, वो है एक्स्ट्रा फालतू खर्चा एक तरह से, मतलब सस्पेंशन का ही मानता हूँ मैं तो, जो कि अब हुआ है जिसमें 1.5 पेटी से भी ऊपर लग लिया है, तो उसमें सब कुछ हो गया, ब्रेक सबका मतलब जो डिस्क वगैरह का काम था वो भी हो गया उसी में, तो ये खर्चा मांगा है अभी उसने इतने टाइम में। और अब ये TPMS की भी लाइट अब आ नहीं रही है भाई। अब ऐसे ओवरटेक वगैरह करना होता ना, ओए होए होए भाई स्पोर्ट्स मोड लगाओ और आपको देख लिया होगा मीटर पे भाई, फिर से TPMS की लाइट आ गई। इसके मैंने सेंसर भी चेंज करवा लिया, सब कुछ करा लिया, अब फिर आई है इसकी लाइट। इसकी एक लाइट के चक्कर में मैंने एक दिन और छोड़ी थी, पर अभी वो कह रहे हैं कि भाई अभी मैंने अभी मेरी यूजुअल से भी गई अभी बात करी है मैंने जस्ट 1 मिनट पहले ही, तो वो कह रहा है कि भाई शायद एक वापस लेबर इलेक्ट्रीशियन को दिखाना पड़ेगा, मतलब कुछ और ही फॉल्ट है। मतलब वैसे चलाने में वैसे फिजिकली कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, और ना उससे मतलब स्कैनर से भी ये नहीं हटेगी, ये कोई और प्रॉब्लम है, मतलब कहीं वायरिंग वायरिंग में कोई दिक्कत आ रखी है गाड़ी की, तो ये शायद तब पता चलेगा, नहीं तो भाई जो सेंसर था ना सेंसर टूट रखा था इसका। वही बात है भाई, ये ना हो जाता है, अब इतने साल पुरानी गाड़ी ना कहीं से वायरिंग में कोई ना कोई दिक्कत आती है। अब जैसे ये छोटी छोटी दिक्कत है ना ये आती है, और ये भी देख लो मतलब कितने टाइम बाद आई है, हालांकि थोड़े लंबे टाइम से ये TPMS की लाइट थी, पर मैंने पंचर वंचर सब चेक करवा रखे थे, पूरी हवा कर रखी है सभी टायरों में। उसके बाद भी आप देख लो, अब मैंने सेंसर भी चेंज किया, सेंसर चेंज कराती लाइट चली गई थी, आज आई है ये अब फिर से सुबह सुबह ना, तो देख लो भाई अब क्या है जो भी। भाई फिलहाल अब टाइम आ चुका है इसका एक तरह से 0 to 100 टेस्ट करने का भाई, और मैं आपको बता देता हूँ ये सब टेस्ट होने वाला है इतने किलोमीटर चलने के बाद में। और साथ ही में मैं आपको बता देता हूँ पावर स्पेक्स जो है इसके, 188 BHP और 400 Nm का टॉर्क है भाई इस गाड़ी में, और ट्विन टर्बो डीजल इंजन है, 8 गियर आते हैं वैसे इसमें, ये स्टेप्ट्रॉनिक है। को मैं सबसे पहले लगा देता हूँ स्पोर्ट्स मोड पे, और इसका ट्रैक्शन ऑफ कर देता हूँ, और इसका वो भी ऑफ कर देते हैं, DSC भी ऑफ कर दिया है, तो और ये वही बात है डी पे करके हम इसको लॉन्च कर सकते हैं भाई। मतलब ये तो रियर व्हील ड्राइव है ना, हाथों से निकल रही है, देखना भी अभी तक झेल रही है, अभी भी झेल रही है, अपनी झेल रही है। ओ भाई टाइमर आप ऊपर देख सकते हो कितनी देर में पहुंच रही है ये, और ये 100, 120, 140, 50, 40 होगी। ओ भाई साहब, हे भगवान,
भाई ये डीजल इंजन है अब है ना। चलो मेरे को वैसे टेस्टिंग भी करनी थी भाई, क्योंकि मेरे को वही बात है ना भाई, जब गाड़ी ठीक हो जाती है ना तो ये सब कुछ टेस्ट करने का मन हो जाता है। वाह भाई वाह, ये है भाई BMW के डीजल इंजन्स। चलो भाई वापस इसको ऑन कर देता हूँ, ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ, और इसको नॉर्मल कर देते हैं अपने मोड पे। और ये देखो भाई कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है। और यार गाड़ी है ना, मतलब ये मतलब ठीक है भाई, साइज है ना, मतलब जो इससे पहले वाली 320 आती थी ना उसमें थोड़ी स्पेस की दिक्कत रहती थी, पर इसमें स्पेस ठीक है पहले से ना। अब जो अब आ रही है ना 320 भाई, उसमें तो बहुत स्पेस है भाई, बहुत ज़्यादा स्पेस है उस गाड़ी में। तो मतलब इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इससे पहले वाला जो इसकी शेप थी उस वाली में थोड़ी स्पेस की दिक्कत थी पीछे वालों के लिए, मतलब 2-सीटर मान लो वो वाली। ये फिर भी थोड़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है उस मामले में। फिलहाल मैं तेल डलवाने लग रहा था और डीजल का रेट देख के 89.85 जो है रेट चल रहा है भाई। और कहाँ भाई वाटस में हम कहाँ 103 रुपये लीटर डलवाने लग रहे हैं, अपने हरियाणा का रेट है भाई। बाकी आप अपने स्टेट का रेट बताना क्या रेट है, यहाँ 89.85 है यार। वैसे डेली यूज़ में ना डीजल गाड़ी ही होनी चाहिए, मैंने ये देख लिया भाई। अपनी वाटस है ना इतना तेल पीती है, आप सोचो मत। एक तो हाई ऑक्टेन डलवाना पड़ता है उसमें, अब मुश्किल से भाई तो, और ना मिले तो टेंशन रहती है थोड़ा, मतलब जहाँ पे ना हो तो थोड़ा डलवाना पड़ता है। पीछे राजस्थान में मैंने उसमें नॉर्मली पेट्रोल डलाया, आखिरी जो दो टंकी थी ना वहाँ पे मिले ही नहीं भाई 95। अगर वहाँ पे 95 का पेट्रोल पंप है ना तो उस पर 95 ख़त्म हुआ मिलता है, मतलब अजीब सा सिस्टम है। अपने यहाँ ठीक है भाई, तो फिलहाल जो है डलवाने लग रहे हैं भाई तेल फिर से। 98 की रेंज आ गई थी, 636 हो गई है अभी, और डल रहा है अभी गाड़ी में तेल। 2000 years later. घर वाले पूरे खुश हो चुके हैं कि काम हो तो ऐसा हो वरना ना हो। और फिलहाल भाई वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मेरे को ये गाड़ी बस ऐसे दिखानी थी कि भाई देख लो इतने किलोमीटर के बाद भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रिलायबिलिटी खुद देख लो भाई कितनी रिलायबल गाड़ी है भाई। मेरे ख्याल से ना तो भाई इतनी गाड़ी ना चलती नहीं है, ये तभी चलती है भाई जब थोड़ी सिंगल हैंड मान लो आप उस तरीके से चलती है जब। तो यही थी भाई, यहाँ से वीडियो देखी इसको लाइक कर देना। और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसका मेंटेनेंस कॉस्ट इतने टाइम में क्या रही है इसकी एवरेज। कंपनी से BMW से सर्विस कराते हैं तो 40,000 रुपये के आसपास होती है, मतलब 5-10,000 ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वही बात है ना भाई कभी कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है कभी कुछ कम हो जाता है, तो 5-10,000 तो ऊपर नीचे चलता रहता है। और बाहर से कराते हैं ना तो 20-25,000 रुपये में हो जाती है, और लोकल काम कराओगे 10,000 में हो जाती है। पर मैं तो यही मानना है भाई कि कंपनी से कराओ ना वो ज़्यादा बेटर है, या फिर थोड़ी अच्छी जगह पे जैसे अपने ऑटो साइक पे, वही बात है भाई वहाँ पे भी 25-30,000 रुपये का एस्टिमेट है, तो कुछ पैसा बच जाता है पर फिर भी काम जो है ना वो बहुत जेन्युइन हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई अपना वो काम करा लो ज़्यादा अच्छा रहेगा।